हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? और आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल लेकर आई हूँ रेसिपी, और साबूदाने के बड़े, तो जो कि ये बहुत बढ़िया लगते हैं और घर के बने हो तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने कितने बढ़िया बनाए हैं और बहुत अच्छे थे, खाने में बहुत अच्छे हैं बने हैं। आप इसको बनाकर साल भर तक रख सकते हो, और बिना नमक का बना रहे हैं या नमक वाला जो सेंधा नमक आता है उसको डालकर आप बनाइए तो व्रत में भी खा सकते हो। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन घर के बने का बात ही अलग है, उसका टेस्ट भी पड़ जाता है, अपने हाथों से बना हुआ होता है। तो ये देखिए मैंने रात में साबूदाने को भिगो दिए थे, तो ये रात भर के लिए मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था साबूदाने को, तो साबूदाना अच्छे से मेरा फूल जाएगा रात भर के लिए रख दूँगी तो। और नहीं आप रात भर भिगोना चाहते हो तो आप फिर भी 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिए। तो ये देखिए मेरा साबूदाना कितना बढ़िया फूल गया है। साबूदाना फूलने के बाद मैं इससे जितना साबूदाना था उसे 3 गुना पानी डालूँगी इसके अंदर, और फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा, और नमक डाला है। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं इसमें ज़्यादा नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साबूदाने के बड़े में अगर नमक थोड़ा सा भी तेज़ हुआ तो बहुत बेकार लगता है। तो चलिए अभी मैं इसको पका लूँगी गैस पर, और लगातार चलाते हुए पकाऊँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो नीचे पतीले में ये चिपक जाएगा, साबूदाना बहुत जल्दी चिपकता है, तो हमको इसको चलाते हुए साबूदाने को पकाना है। ये देखिए धीरे धीरे अब मेरा ये साबूदाना गाढ़ा हो जाएगा, तो इसी तरीके से चलाते रहिए। और होली पे किस किस ने क्या किस तरीके से पापड़ बनाए हैं और किसी घर में बन गए हैं बताइए ज़रूर मुझे। और मेरे पापड़े काफ़ी पहले बन गए थे तो मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि इसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये देखिए मेरा साबूदाना अभी पक रहा है धीरे धीरे, और मैं इसे लगातार चला रही हूँ, क्योंकि अगर चलाऊँगी नहीं तो ये चिपक जाएगा, तो इसे हमें बराबर लगातार ही चलाते रहना है। और ये देखिए अभी मेरा ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, मेरा ये देखिए गाढ़ा हो गया है, और मैं इसको गैस से नीचे उतार दूँगी, क्योंकि मेरा साबूदाना पक गया, मुझे बनाने के लिए इतना ही चाहिए।
और बस अब मैं इसको छत पर लेके जाऊंगी, धूप में ही बनाऊंगी और ये कलछी की हेल्प से बनाऊंगी। बहुत आसानी से बनेगा आपको, ना इसे बेलना ना इसे कि कोई झंझट नहीं, बच्चे भी ही बना लेंगे, इतना आसान है साबूदाने के बड़े बनाना। तो देखिए, और इसके पता है दाने दाने भी दिख रहे हैं बहुत आसान अच्छे से। तो आप लोग भी ट्राई करिए और बच्चे भी बना पाएंगे, देखिए कितना आसान है इसे बनाना। और इसको सूखने में कम से कम 3 दिन तो लगता ही लगता है, और अगर धूप कम है तो ज़्यादा भी लगेगा। और लेकिन फिर भी आप इसे 3 दिन तो धूप में सुखाइए, क्योंकि जब तक ये अच्छे से सूखेगा नहीं तो साबूदाने के पापड़ अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो ये देखिए, और मैंने 2 कलर में बाद में थोड़े से निकाल के 2 कलर और बनाए थे। तो ये देखिए 2 कलर और है, ग्रीन और ऑरेंज कलर में, लेकिन मैंने कलर मिक्स करते समय आपको नहीं दिखाया। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग से लेकर उसमें कलर डाला है मैंने बस, और फिर बना दिए हैं। और ये देखिए मेरे पापड़ सूख गए हैं 3 दिन बाद, मैंने इसे 3 दिन की धूप में सुखाया है। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे मैं ऑयल को चढ़ाऊँगी, और ऑयल मेरा गरम हो जाएगा अच्छे से। ऑयल गरम होना चाहिए तभी हमारा पापड़ फूलेगा। तो मैं अभी अपने तेल को काफ़ी अच्छे से गरम कर लूँगी, और देखिए कितना बढ़िया फूलेगा। और बस फिर आप भी इसी तरीके से अपने सारे पापड़ फ्राई कर लीजिए। मुझे ज़्यादा पापड़ नहीं फ्राई करने थे, तो मैंने बहुत थोड़ा ही तेल लिया है। देखिए मेरे पापड़ बनके रेडी हो गए हैं खाने के लिए, और बहुत सॉफ्ट हैं ये, मुंह में घुल जाने वाले की तरीके से हैं, और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे हैं। और आप देखिए कितना सॉफ्ट भी है, मार्केट में भी इतना सॉफ्ट नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट है पापड़ मेरे, और काफ़ी क्रंची भी है, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बस बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो। बस मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।